सपा प्रत्याशी राजी राय पहुंचे कलेक्ट्रेट, दो सीटों में किया नामांकन, मीडिया से की वार्ता। खबर उत्तर प्रदेश में से, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में इंडिया प्रत्याशी राजी राय ने दो सीटों में नामांकन किया है। वही मीडिया से वार्ता करते हुए राजी राय ने कहा कि हम 12 साल से घोसी में जनता के बीच में हूँ, जनता वोट करेगी, जनता चुनेगी। वही ओम प्रकाश राजभर के ऊपर भड़क गए, कहा कि ओम प्रकाश राजभर मदारी हैं। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर बनारस, बलिया, सलेमपुर जब हार जाते हैं तो भाग जाते हैं। बीएसपी हर 5 साल बाद चुनाव लड़ने आती है, हारने के बाद वो भी भाग जाती है। यह कैसे प्रत्याशी जो हारने के बावजूद भी घोसी की जनता का सेवा करते हैं? घोसी की जनता सांसद को देखने के लिए निगाहें तर जाती हैं। वहीं घोसी की जनता को ऐसा सांसद चाहिए जो कल्पनाथ राय के मरने के बाद सपनों को, जो सपने उनके पूरे न हो पाए उनको पूरा करे। अगर हम सांसद बनते हैं तो कल्पनाथ राय के सपनों को हम पूरा करेंगे। वहीं सरकार तमाम वादे करती है लेकिन कोई वादा पूरा नहीं होता है। घोसी जनता अगर हमें सांसद बनाती है तो हम बुनकर किसान युवाओं के रोजगार की बात करेंगे। नामांकन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करना पड़ता है। क्या स्थिति लग रही है अभी तक घोसी लोकसभा में? बाबू आपको भी पता है, मन ही मन पत्रकारिता धर्म निभा रहे हो नहीं बता रहे हो, यहाँ के चुनाव जनता लड़ रही है और जनता सिर्फ इसलिए लड़ रही है कि राजीव राय को छोड़कर जो बाकी प्रत्याशी हैं घोसी के मुसीबत में कभी नजर नहीं आते हैं। न बाढ़ में आए, न कटान में आए, न लॉकडाउन में आए, न कोरोना में आए, न दुर्घटना में, हर चुनाव में कहीं ना कहीं अवतरित हो जाते हैं। एक प्रत्याशी हैं छड़ी वाले, बलिया लड़े हारे भाग गए, बनारस लड़े हारे भाग गए, घोसी आए हारेंगे भाग जाएंगे, बसपा वाले हर 5 साल बाद चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। एक राजीव राय है 14 में चुनाव लड़ा हार गया, लगातार यहाँ है। अहंकार की भाषा न बोली जाए, मेरा एक सलाह सारे उम्मीदवारों को है, घोसी की जनता 20 सालों से अपने सांसद को देखने के लिए तड़प गई है, तरस गई है। यहाँ के लोगों को उस सांसद चाहिए जो उनके मित्रों की बात करें, किसी को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप दूर से सांप लगते हैं या पास से गाय रखते हैं, आप तोता लगते हैं या शेर लगते हैं। बात इंटरेस्ट ये है कि बुनकरों के लिए आप क्या कर, आपने क्या किया है, क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, मऊ के बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या करेंगे, बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे। और कल्पनाथ राय की बात करने वाले से, कल्पनाथ राय सदियों में एक पैदा होते हैं, उनसे प्रेरणा लिया जा सकता है, उनके कामों का अनुसरण किया जा सकता है, तब घोसी के आगे बढ़ाया जाएगा, भाषणों से नहीं होता है। क्या कल्पनाथ राय की प्रेरणा को लेकर के आप आगे बढ़े? मेरे प्रेरणा स्रोत है स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी, और यही बात है जहाँ खड़े हैं यही सड़क हमने बनाई थी। अरविंद राजभर कहते हैं कि आप लोग कृष्ण को ही नहीं मानते, मथुरा नहीं जाते हैं अपने पूर्वजों को। भैया वो तो किसी को नहीं, मैं किसको मानता नहीं मानता, उनके सर्टिफिकेट उनसे चाहिए। वो भाजपा को मानते हैं, महेंद्र पांडे घंटा बजाने वाली बात मानते हैं, भीख मंगवाने वाली बात मानते हैं, मोदी जी को शाह को गुजरात भेजने वाली बात मानते तो आकर कहे उन्होंने जो बोला था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मैंने सपा के राजीव राय को सेट कर लिया। उनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है राजीव राय को सेट करने का, राजीव राय को खरीदने का। उनके जैसे कितने मंत्री को मैं घुमाता रहता हूं, इसलिए अपने हैसियत में रहें और अहंकार न दिखाएं राजीव राय से। भारत सरकार राजीव राय को सेट नहीं कर पाई, आप लोग गवाह हैं, आज भी झेल रहा हूं। इनके जैसे मंत्री जो 4 तारीख तक हैं, 5 तारीख को पैदल हो जाएंगे, इनकी हैसियत नहीं है वो सेट करने की। अपने बच्चों को सेट कर ले, कभी बांसडीह, कभी बनारस, कभी घोसी, क्यों नहीं सेट कर देते हैं? कहीं एक जगह सेट करते, बेटा हार गए बांसडीह में, हार गए कोई बात नहीं, यहाँ की जनता की सेवा करो। बनारस में हार गए, यहाँ की जनता की सेवा करो। हारते हैं और भाग जाते हैं, वो तो सेट नहीं हो पा रहे, मुझे सेट करें। दो सेट में बना है, दो सेट में जी। क्या मुद्दे रहे सर? मुद्दे वही हैं जो जिसके लिए मैं 10 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। घोसी के नौजवानों को नौकरी और रोजगार कैसे मिले, घोसी के बुनकरों के हालात कैसे सुधरे और किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, वही मुद्दे है जिनके लिए मैं 10 सालों से। आज नामांकन दाखिल होना पड़ेगा, बधाई हो उनकी, जितने लोग आए उतने हमारा वोट बढ़ेगा। घोसी चुनाव उतारा है, नामांकन करूंगा। हाँ, वो जो कचहरी में मदारी होता है ना, उसके पास जज और बड़े वकील से ज्यादा भीड़ होता है, तो भी अपने को बड़ा समझता है उससे।
नामांकन दाखिल हुआ। 4 तारीख के सर्टिफिकेट की तैयारी करिए, नामांकन हो गया है। 4 तारीख को सर्टिफिकेट लोकसभा की राजू राय को मिलने जा रही है, ये तय है। चार किसके नाम रहेगा? राजू राय के नाम।